नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल टेक्निकल मास्टर जी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ई श्रम कार्ड वन क्लिक में 5 ई श्रम कार्ड कैसे हम A4 साइज में सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं आज बिल्कुल फ्री में ये एक्शन फाइल देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड में जो 5 ई श्रम कार्ड है एक A4 पेज में सेट कर पाओगे बिल्कुल फ्री में। तो आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे A4 साइड में सेट किए हुए हैं जो ई श्रम कार्ड है वो, तो एकदम इजी रहता है। 5 से 10 सेकंड में आपका जो प्रिंट है वो निकल के आ जाता है और आपको सेट मिल जाता है। तो सबसे पहले उसको आपको डाउनलोड करने के लिए एक्शन फाइल को एक साइट ओपन करनी है, उसका नाम है, यहाँ आपको टाइप करना है EFPS login। ओके, आप EFPS भी टाइप करोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ यहाँ टाइप करेंगे EFPS login। ये टाइप करके आपको सिंपली एंटर लगाना है, तो यहाँ आपको दूसरी ही साइट मिल जाएगी EFPS login। ओके, ये रही, तो सिंपली ये साइट में आपको जाना है और आपको वहाँ से एक्शन फाइल डाउनलोड करना है। तो सिंपली चलो मैं ये साइट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, साइट ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस साइट का मिल जाता है। तो यहाँ आपको एक नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको चौथा या पांचवा पोस्ट आपको मिल जाएगा, ई श्रम कार्ड वन क्लिक एक्शन डाउनलोड। ओके, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये पोस्ट मिल जाएगी, यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ आपको कैसे ई श्रम कार्ड की एक्शन फाइल डाउनलोड करनी है और कैसे उसको पेस्ट करना है अपने ब्राउज़र में, यानी अपने जो फोटोशॉप है। ओके, तो यहाँ से सिंपली क्लिक करके आपको ई श्रम कार्ड की एक्शन फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ जो गूगल का ड्राइव है उसमें हमने ये फाइल सेव किया हुआ है, तो आपको जो अपना ड्रॉप बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, उसका नाम भी दे सकते हैं, यहाँ 5 ई श्रम A4 साइट बाय टेक्निकल मास्टर जी। ओके, तो स्पेशली यहाँ फ्री में है, कोई भी सेल के लिए नहीं है, तो कोई यूज़ मत करना है उसका सेल के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। ओके, तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो एक्शन फाइल है वो यहाँ नीचे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ एक्शन फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो हम यहाँ फोटोशॉप ओपन करेंगे और उसको लोड करेंगे। यहाँ से हम फोटोशॉप ओपन करेंगे, पर जिसके पास फोटोशॉप है नहीं, जो बंदे अभी फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, ओके, तो उसको भी यहाँ फोटोशॉप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप नीचे जाओगे तो यहाँ देख सकते हैं फोटोशॉप 7.0 डाउनलोड। ओके, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ उसका जो सीरियल की अगर पूछे तो यहाँ से वो सीरियल की कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एकदम ईजी मैंने यहाँ बता दिया है। ओके, नाउ मित्रों, अब आपको यहाँ से जो अपना फोटोशॉप है ओपन कर लेना है। फोटोशॉप ओपन होने के बाद आपको जो एक्शन फाइल है वो लोड करना है। तो लोड कैसे करेंगे, तो सिंपली फोटोशॉप एक बार ओपन हो जाने दीजिए। ये रहा फोटोशॉप ओपन हो जाने के बाद, यहाँ आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है विंडोज। ओके, तो यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको नीचे चले जाना है, यहाँ एक्शन उसको चेक मार्क कर देना है। ओके, चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ साइड में काफ़ी सारी एक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने अभी पुरानी एक्शन है वो डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, चलो अब नई हम लोड करते हैं, अभी डाउनलोड की है। तो यहाँ साइड पे क्लिक करना है और यहाँ लोड एक्शन पे क्लिक करना है, और जो भी आपने अभी एक्शन फाइल डाउनलोड किया है, ओके, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने अपने डाउनलोड फोल्डर में अभी डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा, ओके, 5 ई श्रम टेक्निकल मास्टर जी। ओके, तो उसको सिलेक्ट करके लोड कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं लोड हो गया है। अब हमें कोई भी 5 ई श्रम कार्ड है जो हमने बनाए हुए है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो मैं देख लेता हूँ अपने फोल्डर में कहाँ मैंने रखा हुआ है ई श्रम कार्ड। ओके, तो थोड़ी वेट करके मैं ढूंढ लेता हूँ। ओके, काफ़ी सारे ई श्रम कार्ड मैंने अभी बनाया हुआ है। ओके, यहाँ से आपको 5 ई श्रम कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से मैं 5 ई श्रम कार्ड जो बनाया है उसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करोगे तो एक्शन फाइल वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 सेट हो गए। तो यहाँ आपको एक्शन में आ जाना है और यहाँ आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ प्ले का बटन दिया है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही प्ले बटन पे क्लिक करोगे 5 से 10 सेकंड में जो भी आपके ई श्रम कार्ड है वो सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
दोस्तों वेट कर लेना सेट होने तक, यहाँ कुछ भी कोई एरर आता है तो आपको सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो ईश्रम कार्ड है वो A4 साइज में 5 ईश्रम कार्ड यहाँ सेट हो चुका है। तो अब आपको सिंपली यहाँ फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है। यहाँ सेव एज जाने के बाद यहाँ आपको अगर PDF में चाहिए तो PDF भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या JPG में चाहिए तो JPG भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, जो भी फॉर्मेट में आपको ये प्रिंट लेनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली JPG ही रहने देता हूँ। JPG रहने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करके ओके कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दी, यहाँ कोई भी आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ओके कर लेना है। ओके नाउ मित्रों, यहाँ से हम मिनिमाइज करके देख लेते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे जो फाइल है वो कम्प्लीटली सेव हुआ है कि नहीं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ईश्रम कार्ड है जो हमने अभी प्रिंट किए वो क्वालिटी भी अच्छी है और A5 पेज में सेट हो चुका है। ओके, तो बस दोस्तों अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी साइट पे भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये 5 ही सेकंड में आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।